वेलकम टू मुबारक मुबारक ताहिरा जी यमन खान घर वापस इनस घर वापस इनस जरा जोरदार ताली जनाब मीर साहबनि तरफ तरफ तमाम डिस्ट्रिक्ट तरफ अमित शमीम अनिता तहरा जी मुबारक कैसा एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जो सायरा जी है ये कुछ रूठ के चली गई थी कुछ मामूली बातों पे, थोड़ा सा रूठ के चली गई होता है, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो चली गई थी, लेकिन इसका दिल वहाँ लगता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हमारी पार्टी में सेकुलरिज्म है, जो हमारी पार्टी में भेदभाव नहीं है, जो हमारी पार्टी में काम होते हैं, जो हमारी पार्टी में इज्जत है, वो जो इनक्रेजमेंट है वो उसको वहाँ नहीं मिली। पार्टी के लिए सायरा जी तो बहुत ही अच्छी डायनेमिक लीडर थी हमारी कांग्रेस पार्टी की, ऐसी बात नहीं है, लोग उनके साथ है, वो काम करने वाली लेडी है और उसने हर जगह अपना जाल बिछाया हुआ, ऐसी बात नहीं, और हमारे लिए खुशी की बात है वो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बीजेपी उसने वापस घर वापसी की है और उसका हम खैर मुकदम करते हैं। उसके साथ 80 के करीब बंदे आज साथ थे, जिसमें कुछ वकील भी थे और कुछ महिलाएँ तो बहुत ज़्यादा थी और कुछ गुर्जर लोग भी थे। किस चीज़ का प्रोबलान नहीं, हमारा कांग्रेस के सायरा जी कैसे काम करना चाहती है मुझे समझ में नहीं। तो आपको पता है कांग्रेस तो पहले से वाइब्रंट है और 125 साल कांग्रेस पार्टी को हो, कांग्रेस को कहने वाली बात नहीं है। जो आज बीजेपी स्कीम चला रही है वो कांग्रेस के नाम बदल बदल के ही चला रही है, बेसिकली वो कांग्रेस की ही स्कीम्स है। और मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, उसने बीजेपी ने तो आज कुछ पता ही नहीं ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कि क्या हो रहा है, हमारा GDP कहाँ पहुँच गया है, हमारा माइनस में चला गया हमारा GDP। वो तो सिर्फ मीडिया में ही छाया रहेगा, वो उससे फलानी ने फांसी दे दी अपने आप को, उसका किसने, आप देखो उसके बगैर होता है बॉलीवुड के बगैर आपको TV में कोई न्यूज़ दिखती है, उसने सारी मीडिया को करप्ट करके रखा है। ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया है, और हमारा मुल्क आज वहाँ पर है जहाँ -3 में चला गया है। हमारी जम्मू कश्मीर वो स्टेट है जो इसकी स्टेट की पहचान चली गई है, Article 370 चला गया, डोमिसाइल बना गया है। आप बताइए ना कितने लोगों की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया, उसमें बाहर के लोग कितने हैं, और हमारे यूथ जो अनएम्प्लॉयड है वो कितने दरबदर हो गए हैं। जब यहाँ हमने हर मुमकिन कोशिश की और हम मुमकिन कोशिश करेंगे, हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं, जो उन्होंने कोर्ट में हमारे अर्जी दाखिल की उसका इंतज़ार भी है, लेकिन उसके मुतलिक भी हमारा जो हाई कमांड है, चाहे सोनिया जी है, राहुल जी है, हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब है, मीर साहब है, तो हम बराबर उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे परसों ने किसानों के मुतलिक भी जो बिल पास किया हम उसके मुखालिफ भी है, किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं और क्या मिल रहा है बीजेपी हुकूमत में। आप मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट, उन्होंने कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं है इंडिया की बात कर रहे हैं। आप देखिए डेली वेजर दर बदर फिर रहे हैं, उनको 3 साल से 2 साल से तनख्वाह नहीं है। आप मुझे बता दीजिए जो भी यहाँ पे कंट्रैक्टर उनके पास पैसा नहीं है, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके पास तनख्वाह नहीं है, तो क्या बेकारी में सबको बेकार बना रहे हैं और यहाँ के यूथ्स को बहुत धोखा दे रहे हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। कौन सी एम्प्लॉयमेंट देंगे COVID-19 में? आप बताइए हमारे कश्मीर में वेंटिलेटर्स नहीं है, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमारी मौतें क्यों हो रही है? वो उनका कम्युनलिज्म है, कहाँ पे है उनकी वेंटिलेटर? हमें दिखाइए कौन सा काम कर रहे हैं वो आज भी अपने फॉरेन दौरों पे चल रहे हैं, क्या है हमारे? आप देखिए कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर तो बेकार से बेड़ा गरा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। मैं चाहती मैं बड़ी से बड़ी मजम्मत करती हूँ और जो हमारी महिलाएँ आ जाए मैं उनको वार्म वेलकम तो खैर मलम करती हूँ। लोगों की मैं डेवलपमेंट जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ हमारी लोगों की, हमारी जो स्टेट के लोग हैं इनको राहत मिल जाए, यही एक वजह है कि मैं वहाँ से निकल के अपने घर वापस आई। नहीं मैं नहीं, कुछ काम हो रहे थे कुछ नहीं हो रहे थे। कांग्रेस सबसे अव्वल पार्टी है जिन्होंने लोगों का सोचा है, जो सबसे पहले लोगों का काम करते थे। हमारे कांग्रेस पार्टी ने कभी लीडरशिप नहीं देखी है, दोष बदोष अपने लोगों के साथ रहे।
वो मेरी एक, मैंने कहा मुझे अपने लोगों से थोड़ी नाराजगी थी, नाराज होके फिर मनाने आते हैं ना अपने माँ बाप जिस तरह मनाने आता है, इस तरह मेरे लीडरशिप भी अच्छी क्वालिटीज के लोग हैं, ये नहीं अपने बच्चे को बाहर ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं। मैं खुद आर मैं मैंने कहा ना लोगों की भलाई के लिए, बस मेरे लोगों का काम नहीं हो रहा था। नहीं वो बात ही नहीं है, मैं 16 ईयर से कांग्रेस पार्टी में काम करती आ रही हूँ, एक साल और 16 साल में बहुत फ़र्क है। एटी लोगों ने किया है मेरे साथ, बहुत सारे लोग हैं। आज कोविड की वजह से मेरे कुछ लोग नहीं आ पाए, बिकॉज डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाता है। इंशाल्लाह अगले में जब भी हो कि मैं अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत रखूँ। हाँ, ऑल बीजेपी मेरे 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सारे लोग हैं मेरे साथ। देखिए सर, आपको तो या आपको तो पता होगा कि 370 आर्टिकल्स के बाद हमारे लोग कितने परेशान हो गए। मैं तो इसी स्टेट में रहती हूँ, मेरा एक पद था बीजेपी में, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर की थी, मैंने वो पद छोड़ के अपने लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। आपको तो ये समझना चाहिए कि मैडम छोड़ के क्यों आई। यही नजर आ रहा है बीजेपी का? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। मैं जाना चाहती हूँ कि डेवलपर होने चाहिए। दैट बी द रीजन? या यस यस।